तो क्या क्रिप्टो करेंसी को सरकार बैन कर देगी? जिन लोगों के पैसे लगे हुए हैं क्या वो पैसा डूब जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं कनिष्क गौर, साइबर एक्सपर्ट। आज आपसे मैं बात करूंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, क्या है इनका फ्यूचर और क्या आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या ये सेफ हैं, क्यों गवर्नमेंट ला रही है रेगुलेशन क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों पहले समझते हैं क्या होती हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बेस्ड हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन कुछ नहीं है, बहुत एक सिंपल तरीका है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर एक साथ काम करते हैं एक प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट के ऊपर, जिसके थ्रू वो क्रिप्टो माइनिंग करते हैं। यानी क्रिप्टो माइनिंग के थ्रू नए क्रिप्टो के कॉइन क्रिएट करते हैं। ये कॉइन्स डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं और फिजिकल फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं होते हैं। ना कोई इसमें हार्ड टोकन क्रिएट होता है, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑफ कंप्यूटर कॉइन्स को क्रिएट करता है और इंक्रिप्शन के थ्रू ये कॉइन सिक्योर रहता है। क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, जहां इन कॉइन्स को हम एक दूसरे के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, तो एक यूनिक कोड है क्रिप्टो करेंसी, जिसको हम एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी मान रहे हैं। पर क्या ये वास्तव में एक करेंसी है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये करेंसी नहीं है। अगर ये करेंसी नहीं है तो दुनिया भर में इसके थ्रू लोग सामान क्यों खरीद पा रहे हैं, क्यों इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और क्यों बहुत सारे देश इसके खिलाफ हैं। इक्वेडोर एक देश है जिसने इसको लीगल टेंडर किया है, जिसका मतलब ये है कि इक्वेडोर की करेंसी क्रिप्टो करेंसी के साथ ट्रेड की जा सकती है और उसके थ्रू उनकी कंट्री में आप कुछ भी खरीद सकते हैं। पर डर क्या है? डर ये है, आज की तारीख में डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है जिसके थ्रू हम लोग दुनिया में कोई भी चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं। डॉलर के बेसिस पर डिसाइड होता है कि किसकी डिमांड बढ़ेगी, किसकी डिमांड कम होगी। हमारे देश की करेंसी इंडियन नेशनल रुपी का भी डॉलर एक्सचेंज से डिपेंडेंसी रेट ये रहता है कि गोल्ड की डिमांड कितनी है, गोल्ड हमारे देश में कितना है, डॉलर की डिमांड कितनी है। पर इससे क्रिप्टो करेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्रिप्टो करेंसी से इस पे ये फ़र्क पड़ता है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऑल्टरनेट मीडियम है जिसमें आपको किसी भी दुनिया के बैंक की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दुनिया की सरकार की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं आज की तारीख में। आप समझते हैं कि हम ये पैसा कैसे लगा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। कुछ नहीं करना है, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसकी इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट होनी चाहिए आपके पास। इस इंटरनेट बैंकिंग को के थ्रू आप लॉगिन करके किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में पैसा अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो पैसा आपको एक यूनिक क्रिप्टो वॉलेट में दिया जाएगा जो एक की के थ्रू इंक्रिप्टेड होगा और आपकी एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट की जाएगी। अब इसके बाद ये क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट आपको एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा। उस प्लेटफॉर्म पे आप बाकी दुनिया में जो भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करने वाले लोग हैं उनके साथ ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और इसको आप किसी और दुनिया में किसी भी आदमी से यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंज करने के लिए। अब दिक्कत क्या है आज की तारीख में? दिक्कत यह है कि सरकार को डर लग रहा है कि अगर हमने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया, लीगल टेंडर कर दिया, तो हमारे देश में INR की वैल्यू कम हो सकती है या लोग INR यूज़ करने की बजाय ऑल्टरनेट मीन्स यूज़ करेंगे फॉर बाइंग एंड सेलिंग, तो टैक्स रेट के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट आ सकते हैं, चीज़ों की कीमतें सडनली बढ़ सकती है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि एक बिल लाया जाए जिसके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी को एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म के थ्रू रन कर सके। उससे फ़ायदा क्या होने वाला है? उससे फ़ायदा ये होने वाला है कि जितने भी तरह के फ्रॉड स्कैम चल रहे हैं हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी को लेके, वो कम हो जाएंगे। दूसरा, लोगों के बारे में अवेयरनेस बढ़ जाएगी कि क्या होती हैं क्रिप्टो करेंसी, कौन से कॉइन लीगल हैं, कौन से फ्रॉड है, कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज लीगल है और कौन से फ्रॉड चल रहे हैं। एक लिस्ट आ जाएगी कि ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जिनके में आप पैसा लगा सकते हैं और इनके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज़ जो सरकार और कर रही है वो हमारे देश की डिजिटल करेंसी ले आएगी। उस डिजिटल करेंसी के थ्रू आप क्रिप्टो में पैसा लगा सकते हैं और एक लीगल मैकेनिज्म क्रिएट हो जाएगा। जो और सबसे अच्छी बात जो होगी वो ये होगी कि लोगों के
में एक जागरूकता बढ़ जाएगी कि क्रिप्टो करेंसी में हमें पैसा लगाना कैसे चाहिए, कौन से क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो वास्तविकता में देश में एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो देश में है ही नहीं, वो कहीं बाहर बैठे हुए हैं और इसको डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं या आपसे पैसा लगवा रहे हैं। तो आप जब पैसा लगाएंगे तो एक ऐसे एक्सचेंज के साथ लगाएंगे जो भारत देश में है और सरकार के पास एक लीगल मैकेनिज्म है उनको लायबल होल्ड करने का और उनको पकड़ने का अगर वो कोई स्कैम या फ्रॉड करते हैं। तो क्या क्रिप्टो करेंसी को सरकार बैन कर देगी? जिन लोगों के पैसे लगे हुए हैं क्या वो पैसा डूब जाएगा? दोस्तों, मुझे नहीं लगता सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाली है, क्योंकि सरकार को ये बात समझ में आएगी कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है और बैन करने से वो अपनी मुश्किलें खुद बढ़ाएंगी। हमने देखा है जब चीज़ों को बैन किया गया देश में तो लोग उसके प्रति ज़्यादा उत्सुक हुए हैं और उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। तो सरकार, मुझे लगता है, आज की तारीख में एक रेगुलेशन लाएगी जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस की एक लिस्ट बनाई जाएगी जो आपका पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, जो सरकार करने वाली है उन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर एक लायबिलिटी, एक पेनल्टी लाएगी कि अगर वो लोगों का पैसा ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं या कोई स्कैम करते हैं तो उनके ऊपर क्या लीगल प्रोविजंस होने वाले हैं, उसके ऊपर रूलिंग रहेगी। तीसरा, ये पैसा एंटी नेशनल एक्टिविटी में ना जाए उसके लिए सरकार एक प्रोविजन करेगी जिससे ये पैसा ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग में ना जाए या हथियारों की खरीद में ना जाए, उसके ऊपर सरकार प्रोविजंस करेगी ताकि यहाँ से जो पैसा लग रहा है उसको सरकार पता लगा सके कि इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द राइट पर्पस। चौथा, जो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या टैक्स रेगुलेशन लगेगी जब हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके ऊपर अभी आज की तारीख में कोई क्लैरिटी नहीं है कि 10% का टैक्स लैब लगेगा, 20% का लगेगा, 30% का लगेगा। उसके ऊपर क्लैरिटी आएगी कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्या टैक्स लगेगा जब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। जो एक और समझने की इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी क्या ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ की जाएगी इस प्रोविजन के बाद, इस बिल के बाद? मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करने लगेगी ये तो उससे हमारी इंडियन नेशनल रुपी के ऊपर फ़र्क आ सकता है और सरकार इसको होने नहीं देगी। इन्फ्लेशन हो सकती है, चीज़ों की डिमांड जो है सडनली बढ़ जाएगी बहुत सारी जो हम बाहर के देशों से लेते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो सकती हैं, हमारी GDP पे इम्पैक्ट आ सकता है अगर क्रिप्टो करेंसी को ट्रांजैक्शंस के लिए अलाउ किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको ट्रांजैक्शंस के लिए अलाउ करेगी। सरकार इसको सिर्फ इस तरह से रखेगी कि ये एक माध्यम बन जाए जिससे लोग इन्वेस्ट कर सके, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, हम लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में, कॉइन्स में, गोल्ड में, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट का तरीका बन जाएगा इस देश में और लोग इसमें आगे पैसा लगा पाएंगे। तो जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको घबराने की बात नहीं है, उनका पैसा नहीं डूबेगा क्रिप्टो करेंसी में। तो ये सरकार की तरफ से मुझे लगता है एक पॉजिटिव स्टेप है जिससे जितने भ्रम हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो ख़त्म होंगे। दूसरा, जितनी बातें की जा रही हैं कि ये कितनी रिस्की हैं वो रिस्क सामने निकल के आएंगे। तीसरा, जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिकॉज सरकार जो है अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव रुख लेके आएगी। और जो चौथी बात है, हमारे देश की भी डिजिटल करेंसी आएगी जिसको हम लोग दुनिया में प्रोपेगेट कर पाएंगे। जो INR है अभी तक एक फिजिकल करेंसी है और उसको हमने डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू यूज़ करना स्टार्ट किया, पर एक डिजिटल INR आने के बाद उसकी एक्सेप्टेंस के थ्रू हमें लगता है हमारी इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है।